सीटेट 2021 में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है और परीक्षा जो होगी वो ऑनलाइन होगी। सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, दिसंबर 2021 में परीक्षा होगी कि नहीं होगी, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और ये काफ़ी अहम बात है आप लोगों के लिए ये जानना कि इसमें क्या हुआ है सीटेट 2021 में और कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, सारी बातें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद LK पे। दोस्तों यहाँ पे हम सीटेट की पूरी जानकारी पे बात करेंगे, यहाँ पे क्या बदलाव हुए हैं, कब परीक्षा होगी, सिलेबस में क्या बदलाव हुआ, सारी चीज़ें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ है हमारे वीडियो में। तो वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरी की पूरी जानकारी लीजिए। बिना जब वीडियो आप स्किप कर देंगे तो आप पूरी जानकारी नहीं पा सकेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि सीटेट को लेकर CBSE ने अहम बदलाव किए हैं, वो मैं यहाँ पे अहम बदलाव आपको बताने जा रहा हूँ कि परीक्षा जो होगी वो आपकी ऑनलाइन मोड में होगी और पेपर का पैटर्न में जो क्या हुआ है बदलाव हुआ, यानी कि फैक्ट बेस कम और कॉन्सेप्ट बेस ज़्यादा होगा। यानी क्या भैया, अब जो फैक्ट बेस होते थे आपके क्वेश्चन वो अब नहीं होंगे, अब आपके कॉन्सेप्ट बेस होंगे और नए प्रश्न जो होंगे वो नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ही होंगे। और CBSE ने नए पैटर्न के मॉक क्या करेगी, छात्रों को उपलब्ध करवाएगी और जो परीक्षा होनी है वो अगली परीक्षा दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये थे कुछ अहम बदलाव आप लोगों के लिए। तो बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी करना। और सीटेट जो है वो अब आप लोगों का बहुत कठिन होने जा रहा है। जो पहले लोग क्या करते थे कि सीटेट में मतलब पास करना वैसे भी पहले टफ था, अब तो और ज़्यादा टफ हो गया। दोस्तों अगर हमारी जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको UP.DET, CTET और शिक्षक भर्ती आदि से संबंधित तैयारी करवाई जाती है और यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिस है CBSE के द्वारा जारी किया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ प्रोवाइडेड होलिस्टिक विजन ऑफ एजुकेशन दैट साइंस इज शिफ्ट। यहाँ पे देखिए मेन में आपको चीज़ें बताता हूँ और ये जो पिक है हमारे इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए विद इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस ऑफ सीटेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर कहा गया है कि विल बी डेवलप्ड अक्रॉस लेस फैक्चुअल नॉलेज एंड मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, अप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चीज़ें क्या की गई हैं बढ़ा दी गई। क्योंकि देखो दोस्तों अब क्या है कि ये जो आपका सीटेट की वैलिडिटी है लाइफ टाइम हो गई, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपका एग्ज़ाम होगा वो देखिए यहाँ पे क्या कहेगा, इट इज़ ऑल्सो नोटिफाइड दैट द सीटेट एग्ज़ाम विल बी कंडक्टिंग ड्यूरिंग दिसंबर 2021 यानी 2021 या जनवरी 2022 और एग्ज़ाम का जो मोड है वो ऑनलाइन मोड होगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।